थोड़ा दहशत का माहौल हो गया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, सरकार भी पूरी सोच रही है और बड़ी जल्दी उसमें कोई नौकरी हो रही है। हमारी ये गवर्नमेंट कहती है कि आप जाओ वहाँ पर जाकर नौकरी करो, लेकिन वो रहने का ठिकाना नहीं है। बहुत कुछ शोभित कर रहे हैं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ पूरा कंधे पे खड़ा होता है। केस वाले 1% वकील जो है उस बच्चे के फेवर में है। जी जी जी, वो मेरे पास आए थे लेकिन ऑलरेडी ये कोर्ट में चल रहा, तो मेरी कोर्ट में नहीं चल सकता, मतलब उनके रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन आज मेरा ये टाइम फोन निकाल लिया तो टाइम लिमिट मतलब ज्यादा ले ली, लेकिन फिर भी आपका मैं काम कर सकती हूँ आज ही, क्योंकि वहां पे यक नहीं आ रहा जहाँ जान बूझ के आपको उनको पता है कि ये देखिए, मैं 3 दिन के विज़िट पे थी, क्योंकि कठुआ में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी हुआ है और उसी इसमें सांबा का भी था। हाँ, जहाँ तक आपने इशू की बात की है, क्योंकि एक मेजर इशू यहाँ से एक चकचंगी का आ रहा था, जहाँ पे एक सड़क को लेके कि लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे आवास तोड़ रहे हैं और हमें उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो हमने नोटिस भी एक जारी किया था जिसमें हमारे प्रशासन ने पूरी तरीके से सहयोग किया और काम भी वहाँ पे रुकवा दिया। हमने कहा हम पहले आ जाएं, देख लें सही में क्या स्थिति है, क्या जेन्युइन है, सही में ये बोल रहे हैं, इनकी ज़मीन गई है कि नहीं गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कोई भी सड़क बने, कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो वो सबकी भलाई के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। तो उसमें क्या ऐसे रीज़न रहे हैं कि प्रशासन के बीच में और उनके बीच में दोनों में टाई अप अच्छा नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमने एक कार्यक्रम आज लगाया था। वो हमसे मिले हैं आके और उन्होंने जब सारी बात हमें ये बताई और हमें यहाँ जानकारी मिली है कि वो ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, और डीसी से भी हमारी पूरी बात हुई और हमें ये जान के खुशी है कि वो भी पूरा सहयोग कर रही हैं, क्योंकि अभी हमने आश्वासन उनको दिया है, क्योंकि अब इनके लेवल का ये नहीं है, ये हम आगे मिनिस्ट्री से बात करेंगे और इसको केस को हमने ले लिया है और उनको कहा अभी वो हमें एप्लीकेशन देने थोड़ी देर में आने वाले हैं सभी गाँव के लोग, उसको अब हम मिनिस्ट्री में ही नोटिस जारी करेंगे और वहीं पे एक हियरिंग रखेंगे, हो सकेगा तो हम कंबाइन करेंगे। हालांकि डीसी की तरफ से यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करेंगी, क्योंकि जो रूल कहता है रूल के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि कंबाइन दोनों को बैठना है तब हम इन्हें बुलाएंगे, ज़रूरत लगेगी तो, नहीं तो मिनिस्ट्री से बात करके इसमें हम सॉर्ट आउट कैसे हो सके। और अगर उन गरीब लोगों के घर जा रहे हैं, वो इतनी देर से 50 साल से रह रहे हैं, तो उनका आगे कैसे सफ़र चलेगा, छोटे छोटे बच्चे वो कैसे रहेंगे, क्योंकि वो इतने दिन से जब रह रहे हैं तब उनके लिए कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, अब एक इमीडिएटली आया तो उनके लिए घर से बेघर हो रहे हैं। तो सरकार उस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और कमीशन ही इसने अब केस ले लिया है, इसलिए अब हम मिनिस्ट्री से मीटिंग करके तब इसमें आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। हाँ, उसके अलावा भी हमारे साथ पास BDC भी आए, सरपंच लोग भी आए और कुछ ने अपने गांव के इशू बताए, कुछ का हमें खुशी भी हुई कि उनको भी उसी समय पता चला कि उनके गांव को आदर्श गांव के साथ जोड़ लिया गया है और एक नई डिपार्टमेंट के साथ सांबा आगे बढ़ रहा है, तो हमें खुशी हो रही है। बाकी भी जो इशू आए वो हमने सब ले लिए हैं, टेकअप करेंगे उस पर और जल्दी रिजल्ट आपके सामने होंगे। इसमें नोटिस में मेरे पहले भी था, कमीशन उसमें एक्शन में भी है, और मुझे एक बात का यहाँ खुशी हुई कि सभी की जितने भी लोग मिलने आए और सभी की ये चिंता थी उनके लिए, मैंने जितने भी मेमोरेंडम देखे एक कालम उनका ज़रूर था
कि कम से कम उसमें सिर्फ ऐसी कैटेगरी के लोग नहीं हैं, उसमें जर्नल भी हैं और सबका दर्द एक ही है कि हम नौकरी तो करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोटेक्शन कैसे होगी, उनको वहाँ पे जो डर लग रहा है, एक रजनी बाला जो हमारी वहाँ पे शहीद हुई हैं, उनको गोली मार दी गई और अगर एक हम चले जाएंगे फिर ऐसा होगा, तो वो डरे सहमे हैं, उस पर भी चल रहा है बहुत जल्दी, मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें निर्णय बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि सरकार भी पूरी सोच में है कैसे उनको वापस वो अच्छे से नौकरी कर पाएँ, बेडर होकर नौकरी कर पाएँ, तो उसके लिए भी कमीशन ने एक्शन के लिए आगे हम तैयार हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि मैं कमीशन से हूं और 370 टूटने के बाद में 35(1) के बाद में पहली बार कमीशन लागू हुआ है। पहले यहाँ के यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्ट नहीं लगता था जो अब स्टार्ट हो गया है। आज हम डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे खुशी है, हालांकि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कास्टिज़म बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो केस हैं उसमें इमीडिएटली एक्शन हुआ है, और मैं आपके माध्यम से भी सभी से कहना चाहती हूँ कि आप आर्टिकल 338 पढ़िए, अपने राइट्स जानिए, अगर आपको कहीं हरासमेंट लग रही है तो आप कमीशन के पास आ सकते हैं, पर कमीशन के पास आप तब आएँ जब आपका प्रशासन आपकी ना सुने। तो कमीशन इसलिए भी आपको जो भी राइट्स आपके हैं उसके लिए भी जागरूक करने आया है, और प्लस क्योंकि ये जो भी चकचंगी के लोग आए थे ये विशेष अनुसूचित जाति के ही थे, उनका उनको भी यही मकसद से हम बताने आए थे कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कमीशन आपके साथ में है और कमीशन आपका साथ देगा, और आगे भी अगर इस तरीके की कोई भी उनको लगता है प्रॉब्लम होती होगी तो हम उनका साथ देंगे। ये अच्छा आपने प्रश्न किया, कठुआ में भी मुझे पूछा था, हम यहाँ पे क्योंकि अभी कमीशन में मेरी हमारे फुल कमीशन की मीटिंग हुई थी, मैंने ये प्रपोजल को रखा है, बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अभी ज़मीन नहीं मिल पाई है और हमारी सीमा जी यहाँ बैठी हैं, अभी हमने इनको कहा है कि आप ज़मीन का पता करिए, कहीं ज़मीन जा कुछ भी आप अवेलेबल कराएंगे तो हम यहाँ भी ऑफिस खोलेंगे। ऑलमोस्ट तो लागू हैं, कुछ एक जगह पे जहाँ पे हमें लगा है कि कमी है उसमें निर्देश दे दिए, वो तत्काल उसमें कार्रवाई हो जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है।